बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे किचन में चने वाले चावल बन रहे हैं, जिसके लिए मैंने चावल लिए हैं। एक कप मैंने चने लिए थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया है। यहाँ पे मुझे चाहिए मसाले के लिए एक अदद मैंने दरमियाने साइज का प्याज लिया है, दो मैंने छोटे साइज के टमाटर लिया है, थोड़ा सा मैंने अचार लिया है, साबुत गर्म मसाला लिया है, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, एक चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट लिया मैंने। यहाँ पे मैंने नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पीसा हुआ और कुटी लाल मिर्च लिया है। यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया, इसमें मैंने ऑयल डाला है। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी और इसको ब्राउन करूंगी। प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालूंगी। जब ये थोड़े से रेड हो जाए तो इसमें मैं टमाटर डालूंगी। और सारे इसे मसाले जाएंगे। और साथ हल्का सा मैं पानी डालूंगी इसमें। और इस मसाले को मैंने अच्छी तरह भूनना है। मसाला हमारा भुना गया है, अब मैं इसमें चने डालूंगी, इसको भी भूनूंगी और साथ में इसमें सारा साबुत गरम मसाला डालूंगी। चने हमारे भुने गए हैं, ऑयल निकला है, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। मेरे दो गिलास थे चावलों के, तो मैंने इसमें तीन गिलास पानी डाला। यहाँ पे पानी को बॉयल आ रहा है, अब मैं इसमें चावल डालूंगी। अब मैं इसमें अचार डालूंगी। आपने अचार लास्ट में डालना है इसमें, और लास्ट में मैं इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी और 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख दूंगी। लीजिए, तैयार है हमारा मजे मजे का चने वाला पुलाव। आप ये जरूर ट्राई करिएगा और मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये कैसा बना है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें।